Hi, welcome to my channel. It's going to solve green question number 3. Take away this expression from this expression. इसका मतलब ये हुआ कि टेक अवे का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से. तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद से माइनस करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को इसमें से. ठीक है, देखिए जब माइनस करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. ओके, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे सारे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे. ओके, अब ध्यान दीजिए, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दी प्लस 6/5x² में तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ये, तो -6/5x² माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा. अब देखिए माइनस और यहाँ प्लस है तो आपका निगेटिव होगा, माइनस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर माइनस होगा और ये आपका हो जाएगा 3/2x. अब यहाँ पर रीअरेंज करके लिखेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देंगे ताकि हम सॉल्व कर सकें उन सभी को. ओके, तो हमने रीअरेंज कर लिया है लाइक टर्म्स को एक साथ, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम इसको फिर से थोड़ा सा एक ग्रुपिंग करके लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे ताकि हम सॉल्व करने में कोई भी मिस्टेक ना कर पाएँ साइंस का. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर लाइक टर्म्स का ग्रुपिंग किए हैं आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और तब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो अच्छा रहेगा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम दोनों प्लस था तो हमने ब्रैकेट लगा दिया. अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों को हमें प्लस ब्रैकेट में लिखना होगा. ठीक है, हमने ऐसे कर लिया. अब ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस कॉमन लेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो इन दोनों को हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर आसानी से कर सकते हैं. अब यहाँ पर भी हम प्लस है यहाँ पर तो कोई भी साइन का चेंज नहीं होगा, हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं. सो हमने सबको ग्रुपिंग करके ब्रैकेट में कर लिया है, अब यहाँ सॉल्व करना आसान रहेगा तो हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे. सो हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया है, अब यहाँ पर ऐड कर देंगे 17 मिलेगा आपको, 17/15x³ को हम लिख देते हैं इसे माइनस. यहाँ पर भी देखिए ऐड करना होगा तो आपको मिलेगा 37x² प्लस 6x-15x, इसे दी माइनस करते हैं तो -9x मिलेगा जो कि मल्टीप्लाई करेंगे दी प्लस में -9x से, तो ये प्लस नहीं रहेगा बल्कि माइनस हो जाएगा. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लिखते हैं -9x/10. ओके, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 3-10 करेंगे तो आपको मिलेगा -7 और -7 और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस, तो -7/12. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन. ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेक अवे दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें इस एक्सप्रेशन में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को. सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर माइनस करके लिखेंगे इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये लिख करके यहाँ माइनस कर दिया है ब्रैकेट के अंदर लेकर के. अब यहाँ ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये सबका नेगेटिव साइन जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा. यहाँ देखिए माइनस है और ये प्लस है, यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं साइन होता है तो प्लस मानते हैं हम. निगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पर आपको हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव हो जाता है. तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम रीअरेंज करेंगे इन सभी टर्म्स को और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे. तो हमने यहाँ पर अरेंज करके लिख लिया है जो क्यूब वाले पावर्स हैं उनको एक साथ और स्क्वायर वाले एक साथ, और a/3 का तो कोई यहाँ पर कंजुगेट है नहीं, सो यहाँ पर कांस्टेंट्स को हमने लिख लिया है. सो हम सॉल्व करेंगे तो, लेकिन सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और साइन का कोई भी मिस्टेक ना हो सके. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो इसके पहले पॉजिटिव है सो हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस यहाँ पर दोनों के पास है तो हम नेगेटिव कॉमन कर लेंगे, सो मिल जाएगा हमें प्लस का साइन बीच में, यहाँ प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पर केवल a/3 है तो उसको हम एज इट इज़ रख लेंगे और यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे दोनों में से तो आपको मिलेगा -5/2 -6/5. ठीक है, हमने यहाँ इन दोनों से माइनस कॉमन किया तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो माइनस कॉमन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है सो इसमें से कॉमन करेंगे, यदि नेगेटिव तो यहाँ पर नेगेटिव रखना पड़ेगा. ठीक है, अब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 3/2 का एलसीएम होगा 6, 3/2 6 एंड ये हो जाएगा 2a³, -2 से करेंगे 3 आएगा, 3 3 9, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे आपको मिलेगा -7/6a³ -13/4a² -a/3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 माइनस, तो ये भी निगेटिव आएगा -13/10. सो दिस इज योर आंसर
for this one. Okay, third part, dhyan dijiyega. 714x cube plus 3/5x square plus 1 upon 2x plus 9 upon 2. Is expression ko hume minus karna hai. Is expression se 7 upon 2 minus x upon 3 minus x square upon 5. To sabse pahle hum isko likhenge, uske baad se minus kar denge isko bracket ke andar rakh karke. To hume mil jayega itna. Means humne ye likha, usko se minus kar diya is pure expression ko. Ab hum kya karenge, is bracket ko open karenge aur minus multiply kar denge sare terms mein. To kya milega hume? हमें मिल जाएगा इतना. सो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में. मींस जिसका पावर एक्स में जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद से ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि ये अच्छा दिखे. सो हमने ये लिख लिया है और ये आपका मिल गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस 714x क्यूब आपका यहाँ पर एक ही टर्म है, तो इसमें कुछ करना नहीं आपको. जो यहाँ पर दो दो टर्म दिया हुआ है लाइक टर्म्स, जो दो लाइक टर्म्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, उन दोनों को ब्रैकेट में कर लेंगे. और ब्रैकेट में करते समय हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे. और यहाँ तो माइनस कॉमन लेना नहीं है, प्लस तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में कर सकते हैं. और ऐसा करने पर हमें मिलेगा, हम ब्रैकेट जब करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों में माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो आपका बीच में प्लस हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा. फिर यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ये तो वैसे सेम रहेगा. अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, तो एलसीएम लेने पर हमें ऐसा मिल जाएगा एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हम सॉल्व करके ऐड करके लिख सकते हैं. सो आवर फाइनल आंसर इज दिस वन. नाउ द फोर्थ पार्ट, टेक अवे दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन. तो हमें पहले इसको लिखना होगा, उसके बाद से माइनस करना होगा इस पूरे एक्सप्रेशन को. ओके, तो हमने माइनस करके यहाँ पर लिख लिया है इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर. तो अब यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे. देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई क्यूब अपान थ्री. माइनस और प्लस आपका साइन है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हुए टर्म्स को लिखेंगे. तो हमने यहाँ अरेंज करके लिख लिया है. अब यहाँ पर हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको ब्रेकेट में कर लेंगे विद अप्रोप्रिएट साइन. ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे और आपको मिल जाएगा 5/3 वाई स्क्वायर प्लस 7/3 वाई स्क्वायर. यहाँ भी देखिए ये अकेले है, तो इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे. यहाँ पर आपको प्लस कॉमन लेना होगा, प्लस कॉमन लेंगे तो एज इट इज़ उतना ही रह जाएगा 1/3 माइनस 1/2. सो अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, इसको हम वैसे उतार लेंगे. यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6. अब यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 1/3 वाई क्यूब माइनस, यहाँ ऐड करेंगे तो मिलेगा 12/3 वाई स्क्वायर. तो 12 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो मिल जाएगा 4 वाई स्क्वायर. और यहाँ पर आपको माइनस 1/2 वाई ही यूज़ करना होगा. फिर यहाँ पर देखिए माइनस 1/6 मिलेगा, तो सो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन अपन सिक्स आप लिख सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन. नाउ द फिफ्थ पार्ट, टेक अवे दिस मच फ्रॉम दिस मच. तो हमें इसमें से माइनस करना है इसको, तो हम एक बार अरेंज करके लिख लेते हैं. तो हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे और उसके बाद दूसरे वाले जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको बाद में लिखेंगे माइनस करते हुए. जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेंगे. अब यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे. यहाँ देखिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे जब 2/3 में, तो माइनस 2/3 ए सी हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5/7 ए बी. अगेन यहाँ पे देखिए माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 बी सी. सो अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे. ओके, तो हमने लाइक टर्म्स को अरेंज करके लिख लिया है. यहाँ पर देखिए ए बी ए बी, बी सी बी सी, ए सी ए सी. नाउ हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं. माइनस यहाँ ब्रैकेट में देखिए करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से, क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव है. सो बीच में आ जाएगा प्लस. इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 7/4 ए सी प्लस 2/3 ए सी. अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं. यहाँ होगा 14 एलसीएम, 2 7 जा 14, 7 3 जा. सो अब यहाँ पर ऐड करके सॉल्व करके लिख लेंगे. यहाँ मिलेगा आपको 31 ए बी अपान 14 माइनस, यहाँ पर ऐड करेंगे तो मिलेगा 9 बी सी अपान 6. और यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं माइनस. यहाँ पर यदि सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 29.
तो फाइनल आपका आंसर होगा ये. ओके एंड दिस इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ वन एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री. तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है. और आपको यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जहाँ पर ब्रैकेट आपको बनाना है, ठीक है. जहाँ पे दोनों का नेगेटिव रहेगा साइन तो हमें माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा. मतलब जो पहले वाले का साइन यदि नेगेटिव है और दूसरे का पॉजिटिव है तभी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, और बीच में अपोजिट साइन चेंज करना पड़ेगा. और तब जाकर आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव जो साइन में जो मिस्टेक होता है एक्चुअली वो नहीं होगा और आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.